तीन जो प्रीमियम सीएनजी गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। प्रीमियम क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई भी हैचबैक में सीएनजी गाड़ी लोगे, जैसे वैगनार हो गई, एस्प्रेसो हो गई, अल्टो K10 हो गई, तो वहां पे आपको फीचर्स और कंफर्ट दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालांकि यहां पे आपको सीएनजी गाड़ी लेते वक्त थोड़ा पैसा ज़रूर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपकी जेब पे थोड़ी ये गाड़ियाँ भारी पड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये गाड़ियाँ आपको सुकून भी देंगी फीचर्स और कम्फर्ट के मामले में। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फोमेनिया में। टू द पॉइंट ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम गाड़ी के एक्सटीरियर में गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज इसकी बात करेंगे, फिर हम गाड़ी के इंटीरियर पे जाएंगे और साथ साथ गाड़ी का जो बूट स्पेस बहुत कंसिडरेबल होता है सीएनजी व्हीकल लेते टाइम उस पे जाएंगे, एंड एट द एंड हम सम अप करेंगे कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए। एंड आई होप कि मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगी आपको कितने पैसे खर्च करके कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अपनी सिचुएशन या कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो भाई आज जो हमारे पास तीनों प्रीमियम सीएनजी व्हीकल जो खड़े हैं, बलिनो सीएनजी, टाटा एल्ट्रोस सीएनजी वेरिएंट और हुंडई i10 नियोस स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट हमारे पास खड़ा है। प्राइसिंग की बात करें तो बलेनो डेल्टा सीएनजी जो है वो 9,50,000 के ऑन रोड प्राइस पे आती है। थोड़ा बहुत प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन हो सकता है इंश्योरेंस और RTO के प्राइस के, जो डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे। टाटा एल्ट्रोस की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ती है 10,70,000 के ऑन रोड प्राइस पे, अगर मैं न्यू दिल्ली की प्राइसिंग की बात करूँ ऑन रोड प्राइस की। और हुंडई i10 नियो स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट ये आपको पड़ता है 9,20,000 से 9,30,000 के ऑन रोड प्राइस पे। तो सबसे कम अगर माने तो भाई हुंडई नियोज की प्राइसिंग है, ऑन रोड प्राइस आप देखते हैं 9,20,000, फिर बलिनो डेल्टा सीएनजी की और फिर टाटा एल्ट्रोस सीएनजी की। तो अब वन बाय वन इनके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको स्क्रीन पे जो गाड़ी के BHP और टॉर्क है वो दिख जाएंगे, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावर देती है। और अब इंजन के बाद यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि मारुति का कहीं ना कहीं जो कंपैटिबिलिटी है सीएनजी में वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह का आपको जो है वो इंजन कंसोल पूरा दिखाई देता है और इसकी BHP और टॉर्क आपको जो स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसके माइलेज की, तीनों गाड़ियों के माइलेज को अभी जस्ट कंपेयर करेंगे तो वीडियो में बने रहे। यहाँ पर आपको मिलता है 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन मिलने के बाद भी भाई ये वाला जो अपनी सीएनजी वेरिएंट है ये 72 BHP की पावर और 103 Nm का टॉर्क जो गाड़ी निकालती है, जो कि एक्चुअल में कंपेयर करें 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरेटिवली तो काफ़ी अच्छी पावर जो है गाड़ी सीएनजी में जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं हुंडई i10 स्पोर्ट्स सीएनजी, तो यहाँ पे आपको कप्पा मतलब K1.2 लीटर का जो इंजन है वो मिल जाता है। तीनों ही गाड़ियों में जो इंजन है वो 1199 cc के आते हैं, जो इनके पेट्रोल वाले वेरियंट्स हैं उन्हीं के साथ सीएनजी को कंपेटिबल किया है। तो जो 1200 सीएनजी का इंजन अपने पेट्रोल में आता है वही यहाँ पर आपको सीएनजी में देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई अब एक्सटीरियर की। अब तीनों गाड़ियों का आपको मैं आपको एक बार टायर प्रोफाइल दिखा देता हूं। यहां पे जो अपनी बलिनो है वो डेल्टा वेरिएंट होने की वजह से वहां पे आपको कोई भी अलॉय नहीं देखने को मिलता, यहां पे आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे आपको टायर की जो प्रोफाइल है बलिनो सीएनजी में वो 185/65R 15 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं मोटा मोटा अगर बात करें। और अगर अब बात करें भाई अल्ट्रोस सीएनजी की, तो यहां पे जो टायर प्रोफाइल आपकी है वो रहने वाली है 185/60R 16। तो यहाँ पे आपको 16 इंच अलॉय व्हील के साथ आपको जो है वो टायर प्रोफाइल मिल जाती है, जो कि आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है। साथ ही अब बात करें भाई हुंडई i10 स्पोर्ट सीएनजी की, तो सबसे छोटे टायर आपको इसी वाले सीएनजी वेरिएंट में मिलते हैं, ये अपने 165/70R 14 14 इंच के यहाँ पर आपको टायर मिलते हैं। तो अगर मैं आपको सिमेट्री में बताऊँ i10 में 14 इंच, बलिनो में 15 और अपना एल्ट्रोज में 16 इंच के टायर साइज जो आपको वो मिलता है। अब एक्सटीरियर की बात हो गई, अब बात करें माइलेज की, तो यहाँ पे भाई माइलेज में ऑब्वियसली बात है कि अगर आँख बंद करके भी आप बता सकते हैं कि जो मारुति है वो कहीं ना कहीं आगे रहने वाली है। इसका जो क्लेम माइलेज है वो 30.18 किलोमीटर पर kg का है और ये गाड़ी रियल लाइफ में एक्चुअल में माइलेज देती भी है। हालांकि जो ओनर का रिस्पॉन्स है कि भाई माइलेज के अलावा इस गाड़ी में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी माइलेज में आपको मारुति की तारीफ करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे माइलेज के मामले में आती है, जो कंपनी का क्लेम माइलेज है वो 28.6 किलोमीटर पर kg का है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपनी i10 है माइलेज के मामले में। तीसरे नंबर पे अपनी अल्ट्रोस सीएनजी आती है, जो कंपनी का क्लेम माइलेज है वो 26.23 किलोमीटर पर kg का है। तो यहाँ पे 26 किलोमीटर पर kg, 28 एंड 30 किलोमीटर पर kg, इस तरह का अपनी तीनों गाड़ियों का जो
माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है, ARAI माइलेज, वो मैंने आपको बताया है। अब ओनर क्या बताते हैं वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको समराइज करके ज़रूर बताऊंगा कि तीनों के ओनर का क्या कंक्लूजन है माइलेज को लेके। अब भाई बात करें वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल पॉइंट की CNG गाड़ी लेते टाइम कि भाई जब भी आप CNG गाड़ी ले रहे हो सबसे पहली चीज़ जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो होता है बूट स्पेस। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया अल्ट्रोज CNG को भी लॉन्च हुए, तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी अल्ट्रोज में आई है जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी आई10 से शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भाई जो सिलेंडर है वही 65 लीटर का आपको CNG का सिलेंडर मिल जाता है। और यहाँ पे जो बूट स्पेस है, हालांकि वही स्टेपनी की जो प्लेसमेंट है वो पैरेलल है ग्राउंड के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ सामान रख सकते हैं। बाकी अलग से आप अगर ट्रॉली बैग या कुछ रखना चाहें तो भाई आपको कोई स्पेसिंग नहीं मिलती, वो आपको गाड़ी में आगे ही रखने पड़ेंगे। अब भाई एक बार मैं आपको बलेनो को दिखा देता हूँ बूट स्पेस और फिर हम आते हैं वापस अल्ट्रोज के बूट स्पेस पे। तो बलेनो के बूट स्पेस में भाई क्या है, अगर इसकी स्टेपनी आई10 की तरह प्लेस होती पैरेलल टू द ग्राउंड तो आपको काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्पेसिंग मिल जाती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद और भाई पार्शियल ट्रे होने के बाद यहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस नहीं मिलता। हाँ छोटे मोटे बैग कपड़े जूते सामान आप रख सकते हो, बट कोई ट्रॉली बैग या घूमने जा रहे हो आप फैमिली के साथ तो ज़्यादा सामान रखने की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन भाई यहाँ पे जहाँ पे आप मुश्किल से 100 लीटर का भी बूट स्पेस जो है वो नहीं निकाल सकते न्योज CNG और बलेनो CNG में, वहाँ पे आपको अल्ट्रोज CNG में आप देखिए भाई जो प्लेसमेंट है, जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, तो आपको सिलेंडर दिख रहा होगा भाई पूरा, तो अनलॉक करना इसको भारी काम है, तो एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा ऐसे ही, दूसरा सिलेंडर इसके साइड में है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे आप ट्रॉली बैग से लेके भाई कुछ भी रख सकते हो, आपको लगभग 210 लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी में CNG होते हुए भी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदा करती है आपको अल्ट्रोज CNG में। ये एक की कंसिडरेबल पॉइंट है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है फैमिली के साथ या आप ज़्यादा घूमने जाते हैं इंडिविजुअली भी आपको सामान ज़्यादा लेके जाना है तो भाई आप अल्ट्रोज CNG एक्चुअल में कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके लिए बूट स्पेस इम्पोर्टेंस रखता है तो। तो ऐसा कुछ भाई तीनों गाड़ियों का बूट स्पेस है। अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों के इंटीरियर की तरफ कि कौन सी गाड़ी में फीचर्स ज़्यादा हैं और आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए और ओनर की तरफ से ओनर को एक्चुअल में क्या माइलेज तीनों गाड़ियों से मिल रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, एंड में आपको कंक्लूजन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे भाई ये है बलेनो CNG का इंटीरियर, तो आपको बेसिक जो बलेनो पेट्रोल वाला वेरिएंट होता है अपना वही चारों पावर विंडो आपको जो ORV में उनके कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ये एक फीचर आपको एड ऑन मिल जाता है, आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाती है जो मारुति की बेसिक की आती है वो। और अब मैं आपको इंटीरियर से दिखाऊं, सीट कवर वगैरह आपको जो है वो मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट आफ्टर मार्केट जो है वो ओनर ने लगवाया हुआ है। यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है कहीं ना कहीं मारुति ने अच्छी इंक्लूड की है, जो टॉगल स्विच वाली है जो ये बेस मॉडल से ही इंक्लूडेड है। कहीं ना कहीं टाटा का इंटीरियर में भी ये चीज़ थोड़ी सी सिमिलर लगती है जो बेस मॉडल या सेकंड वेरिएंट जो गाड़ियाँ होती हैं, बट ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी सही है, इससे गाड़ी थोड़ा लगता है कि हाँ गाड़ी ठीक वेरिएंट है कोई, क्योंकि पहले वाले जो गोल गोल वो मैनुअल वाले वो आते थे जो AC कंट्रोल्स, वो कहीं ना कहीं गाड़ी की लुक को बिगाड़ते थे। अब बात करें बेसिक आपको स्पीडोमीटर और सारे कंसोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो अपना राइट साइड है वहाँ पे CNG के आपको रीडिंग दिख जाती है, लेफ्ट साइड में पेट्रोल की रीडिंग दिख जाती है। और गाड़ी जो है अपनी 20,899 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसमें ओनर से माइलेज एग्जैक्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा फोर शोर तीनों गाड़ियों का कि प्रैक्टिकल माइलेज क्या मिल रहा है। स्टेयरिंग पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भाई 9.5 लाख रुपये लगा रहे हो तो ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल ही फीचर्स नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली जब आप देखोगे तो आपको फीचर्स कम लगेंगे। और सबसे बेसिक इंटीरियर में बताऊँ तो भाई बलेनो का सबसे बेसिक और सबसे थोड़ा डल सा इंटीरियर लगता है डैशबोर्ड वगैरह का अगर आप देखेंगे, हालांकि इंप्रोवाइज किया है बलेनो के फेसलिफ्ट में मारुति ने, बट स्टिल कंपैरेटिवली हुंडई आई10 CNG वेरिएंट और अल्ट्रोज CNG वेरिएंट आपको फ़र्क जो है वो फील हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई आई10 के इंटीरियर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ORVM के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं, साइड मिरर के चारों पावर विंडो आपको मिल जाती हैं। और अब इंटीरियर में आप खुद फ़र्क देखिए भाई, जो स्क्रीन है उसमें काफ़ी दिन रात का फ़र्क आपको मिल जाता है बलेनो की स्क्रीन के कंपैरेटिवली, AC कंट्रोल्स वगैरह आपको ऐसे मिल जाते हैं, स्टेयरिंग पे आपको वही भाई स्टेयरिंग कंट्रोल्स आपको जो है वो इजीली मिल जाते हैं, मतलब मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो आपको मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भाई ऑफ कोर्स CNG में प्रैक्टिकल भी नहीं है इतना, आई थिंक होता भी नहीं है।
किसी सीएनजी वेरिएंट में, तो यहाँ पे भाई ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर है। हाँ, वहाँ पे आपको बलिनो में जो एमआईडी है वो बड़ी मिल जाती है स्पीडोमीटर का कंसोल। थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा बलिनो वाले को i10 से, बट बाकी आप चीज़ें देखेंगे तो भाई कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस जो है वो बलिनो सीएनजी के कंपैरिजन में आपको हुंडई i10 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलती है। आपकी स्क्रीन से लेके मल्टीमीडिया तक, आपके एसी कंट्रोल, गियर नोब, आपके सीट्स की जो लुक है, डैशबोर्ड का जो डुअल लुक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं i10 सीएनजी में ज़्यादा मिलती है। फीचर्स में भाई वही आपको 9 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, ब्लूटूथ मिल जाता है, और बाकी आपको बेसिक वही एसी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, मैनुअल एसी मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। एल्ट्रोज में देखते हैं भाई फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसा कुछ भाई i10 का जो है वो इंटीरियर अपना है, आगे से पीछे तक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और अब अपन चलते हैं एल्ट्रोज, जो कि इस सेगमेंट में हमारे पास प्रीमियम सीएनजी वाले में सबसे महंगी गाड़ी है। ये गाड़ियाँ 9.5 लाख के आसपास में आती हैं। एल्ट्रोज के लिए आपको 10,70,000 देने पड़ते हैं। तो भाई 10,70,000 की गाड़ी में आपको जो डिफरेंस है वो बाहर से ही फील हो जाएगा। एक तो आपको भाई कीलेस एंट्री मिल जाती है यहाँ पे, ओके। कीलेस एंट्री के साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात ये वाली चीज़ सब में ही, आपको चारों पावर विंडो और RVM कंट्रोल से मिल जाते हैं, डुअल टोन आपको i10 में मिल जाता है। लेकिन भाई वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो है फीचर्स आपको दिखने शुरू होंगे यहाँ पे, जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिख रहा है इसमें भाई, ये सीएनजी में बहुत लेट आया, आई थिंक टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का। तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के बाद आपको स्क्रीन काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एसी कंट्रोल्स आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी मिल जाती हैं, एम्बियंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, डुअल टोन आपको, और डुअल क्या भाई, ट्रिपल टोन आप मान लो, यहाँ पे आपको पीच कलर मिल जाता है, ये लाइट ग्रे और ऊपर आपको ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाता है, तो गाड़ी को जो है वो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। स्टेयरिंग कंट्रोल्स आपको तीनों ही गाड़ियों में, तीनों ही वेरियंट में, सीएनजी वाली में जो हमने दिखाई है, बलिनो, i10, एल्ट्रोज, सब में मिल जाते हैं। लेकिन भाई ये जो इंटीरियर है, आपको स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको आई थिंक रेन सेंसिंग वाइपर, यहाँ पे आपकी लाइट है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअली एसी मिलता है आपका, लेकिन आपको 12 वोल्ट के और एक सी टाइप 5 वोल्ट का 3 एम्पियर आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है चीज़ों को ट्रेंडी और अपडेटेड रखने के लिए। एसी क्वालिटी आपको ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं फीचर वाइज आप देखेंगे तो टाटा एल्ट्रोज एक्चुअल में वर्थ करती है भाई 10.5 लाख रुपए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप 10.5 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्चने के लिए रेडी हैं किसी सीएनजी गाड़ी पे या नहीं। इसका भी आप लोअर वेरिएंट प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि भाई सीएनजी गाड़ी कोई भी लेता है तो फीचर से पहले कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा मैटर करता है। सब हर कोई सोचता है कि अफोर्डेबल गाड़ी मिल जाए जो सस्ती से सस्ती चले, मतलब पर किलोमीटर जो कॉस्ट हो गाड़ी की वो कम हो, यही एक पर्पज़ है सीएनजी गाड़ी लेने का। तो आपको भाई यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटीरियर जो है वो टाटा एल्ट्रोज में देखने को मिल जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, एटलीस्ट बेस्ट है इन तीनों गाड़ियों में से। अगर आप बलिनो, i10 और एल्ट्रोज में देखेंगे तो एल्ट्रोज का ही मेरे को इंटीरियर सबसे प्यारा लगा। और भाई वही बात है, पैसा ज़्यादा दे रहे हो तो वो दिखना भी चाहिए। तो ऐसे कुछ भाई इंटीरियर था तीनों गाड़ियों का। तो यहाँ तक हमने वीडियो में आपको दिख रहे होंगे किन किन पॉइंट्स की हम बात कर चुके हैं, एक्सटीरियर, गाड़ी के टायर प्रोफाइल, इंजन, माइलेज, इंटीरियर, और जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो। तो अब एट द एंड यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी के थ्रू क्या माइलेज क्लेम होती है, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा माइलेज जो है वो बलिनो की है 30 किलोमीटर पर केजी, उसके बाद 28 किलोमीटर पर केजी i10 स्पोर्ट्स के आती है सीएनजी वेरिएंट की, एंड 26 किलोमीटर पर केजी एल्ट्रोज की आती है। तो अगर हम मैं बात करूँ भाई, ये तो हो गई कंपनी की क्लेम्ड माइलेज, ये तो आपको किसी भी वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल जो ओनर को माइलेज मिल रही है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई वो भी इसी सीरीज़ में है, इसी पैटर्न में। सबसे ज़्यादा माइलेज ओनर को बलिनो की मिल रही है, जो कि लगभग 240 से 250 किलोमीटर चल जाती है ऑन हाईवे, अगर आप 80-90 की स्पीड मेंटेन करते हैं तो ऑन हाईवे। अगर i10 की बात करें तो ये अपनी 220-230 किलोमीटर जाती है यही सेम स्पीड पे, और ऑन हाईवे अगर हम एल्ट्रोज सीएनजी की बात करें तो ये अप्रोक्स 200 किलोमीटर जाती है ऑन हाईवे, 200 से 210 किलोमीटर फुल टैंक में, मैंने बताया पर केजी नहीं, फुल टैंक में आपको मैंने बताया। बाकी भाई थोड़ी बहुत चीज़ें डिफर करती हैं कि आप जिस सीएनजी पंप से अपनी सीएनजी जो है फिल करा रहे हैं उस पे प्रेशर कितना है, आपकी गाड़ी में गैस कितनी आ रही है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इतना डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा इजीली। बलिनो और एल्ट्रोज के फुल टैंक माइलेज में आपको 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस मिल जाएगा, ये गाड़ी आपकी 30-40 किलोमीटर इवन 50 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। और अगर हम i10 और इसकी बात करें तो आपको लगभग 25-30 किलोमीटर फुल टैंक पर डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये इतना कंसिडरेबल डिफरेंस है कि आप गाड़ी की कॉस्ट भी ज़्यादा दें और आपको माइलेज भी कम मिले, या आपको फीचर्स और कम्फर्ट ज़्यादा चाहिए। तो एट द एंड
जो चीज़ें जिस गाड़ी में एडवांटेज दे रही हैं वो हमने बताया, जैसे अल्ट्रोज में बूट स्पेस और इंटीरियर जो है वो आपको एडवांटेज दे रहा है, लेकिन 9 से 9.5 लाख के बीच में गाड़ी लेना और एक 10.5 लाख प्लस के बजट पे जाना एक हैचबैक के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। इसी पॉइंट के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप रिव्यू देखने के लिए चैनल पे बने रहे और इसी तरह की टू द पॉइंट डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।